हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड ऑल द व्यूअर्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग स्कूल बराबा जौनपुर। माय सेल्फ संदीप गुप्ता। टुडे आई एम प्रेजेंटिंग हियर फॉर ए न्यू वीडियो, लेसन नंबर सेकेंड ऑफ क्लास 9 फिजिक्स। तो गाइस, आज मैं क्लास 9 के फिजिक्स के सेकेंड लेसन को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसमें आपको फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में पढ़ना है। फोर्स क्या होता है, इस लेसन में आपको फोर्स के बारे में स्टडी करना है, लॉज ऑफ मोशन के बारे में स्टडी करना है, जो कि न्यूटन ने डिस्क्राइब किया है। तो पहले हम यहाँ से फोर्स के बारे में डिस्क्राइब करेंगे। फोर्स क्या होता है, इसके बारे में पहले हम बता देते हैं। फोर्स इज अ पुश आर पुल ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज शेप साइज आर मोशन। बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति और गति में परिवर्तन करता है। कोई भी वस्तु है, अगर रेस्ट में है, अगर हम उस पर फोर्स लगा रहे हैं तो वह वस्तु गतिमान हो जाएगी। जैसे फुटबॉल रखा गया है, आप उसको पैर से कीजिए, फोर्स लगाइए, तभी वह मोशन में होगा। कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर मूविंग कर रहा है तो उसको हम फोर्स लगाकर उसको रेस्ट में ले सकते हैं, उसको कर सकते हैं। और कोई भी ऑब्जेक्ट है, जैसे कोई भी गुब्बारा है जिसमें हवा भरा है, उसमें फोर्स लगाकर उसके शेप और साइज को चेंज कर सकते हैं। तो ऐसे फोर्स क्या होता है, ये या तो धक्का होता है, या तो खिंचाव, या तो पुश होता है, या तो पुल होता है, और ये है ऑब्जेक्ट के साइज, शेप और मोशन में चेंज करता है। तो चलिए हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं फोर्स। अरे फोर्स का हम डेफिनेशन बता देते हैं। फोर्स मीन्स होता है बल। फोर्स इज ए पुश और पुल on the object can be changed shape, size or motion। तो हमने यही बताया, फोर्स इज अ पुश आर पुल ऑन द ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज द शेप साइज आर मोशन। बल वह धक्का अथवा खिंचाव होता है जो किसी वस्तु के आकार, आकृति और गति में परिवर्तन करता है। इसका एग्जांपल हमने जैसे डिस्क्राइब कर चुके। अब यहां पर आपको टाइप ऑफ फोर्स के बारे में पढ़ना है। टाइप ऑफ फोर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्स। टाइप ऑफ फोर्स इज फर्स्ट बैलेंस्ड फोर्स, सेकेंड अनबैलेंस्ड फोर्स। बैलेंस्ड फोर्स को हम संतुलित बल बोलते हैं। संतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्स को असंतुलित बल। तो वैसे हमने बताया कि फोर्स के कितने टाइप होते हैं। देयर आर टू टाइप ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो बैलेंस फोर्स के बारे में हम डिस्क्राइब कर देते हैं। बैलेंस फोर्स होता क्या है। बैलेंस फोर्स, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो इज कॉल्ड बैलेंस फोर्स। कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसके चारों तरफ से जितना भी बल लगाया जाए और वह बल ओवरऑल क्या हो, जीरो हो, उसी को हम बैलेंस फोर्स कहते हैं। इसका मतलब वह ऑब्जेक्ट मूविंग नहीं करेगा, क्योंकि उस पर सभी चारों ओर से लगाया गया फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा। जैसे कोई, हम यहां पर पहले डेफिनेशन बता देते हैं क्या होता है बैलेंस्ड फोर्स। इफ द resultant of all forces acting on a body is zero is called balance force। If the resultant of all forces acting on a body is zero is called balance force। किसी भी वस्तु पर लगाया गया सभी परिणामी बल शून्य हो तो उसे हम संतुलित बल कहते हैं। Unbalanced force,
सेम इसी टाइप का डेफिनेशन है, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। So, मतलब इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो इज कॉल्ड अनबैलेंस फोर्स। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया सभी परिणाम बल शून्य न हो तो उसे हम अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। तो गाइस इसमें आपको मैं फिगर भी बनाकर बता दे रहा हूँ कि बैलेंस फोर्स कैसा होता है, अनबैलेंस फोर्स कैसा होता है। जैसे ये हम बैलेंस फोर्स का बता रहे हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरफ से भी खींचा जा रहा है और इस तरफ से भी खींचा जा रहा है। अगर इस तरफ फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, अगर इस तरफ भी फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का, इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगा। जितना बल इस तरफ से खींचा जा रहा है उतना बल इस तरफ से भी खींचा जा रहा है, इसका मतलब यह ऑब्जेक्ट मूव नहीं करेगा। इसका मतलब इन दोनों का जो फोर्स है वो रिजल्टेंट जीरो हो गया, क्योंकि इक्वल इक्वल फोर्स लगेगा, न तो बॉडी इस तरफ जाएगा न तो बॉडी इस तरफ जाएगा, इसलिए इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया और यह बॉडी कैसी हो गई, बैलेंस्ड फोर्स पर हो गई। अब अनबैलेंस फोर्स का हम देख लेते हैं। मान लेते हैं इस तरफ 10 न्यूटन का फोर्स लगा और इस तरफ 8 न्यूटन का फोर्स लगा, तो यह बॉडी 10 न्यूटन की ओर जाएगी, क्योंकि 10 न्यूटन का फोर्स ज्यादा अप्लाई हो रहा है, 8 न्यूटन का फोर्स कम अप्लाई हो रहा है, तो यह बॉडी 10 न्यूटन की ओर जाएगी। इसका मतलब इसका जो रिजल्टेंट है वह जीरो नहीं है, इसका रिजल्टेंट फोर्स जीरो नहीं है, इसलिए कैसा है, अनबैलेंस्ड फोर्स है। ये आपका अनबैलेंस्ड फोर्स और ये आपका बैलेंस फोर्स। तो गाइस अगर आप कॉपी लेकर नहीं बैठे हैं तो कॉपी लेकर बैठ जाइए और इस हर एक टॉपिक को, हर एक डेफिनेशन को आप, हर एक फिगर को आप नोट कर लीजिए, क्योंकि यह है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको यह आपको 11th में भी मिलेगा, 9th की पढ़ी हुई चीजें आपको 11th में भी मिलेगा। तो गाइस इसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलिए, कमेंट करना न भूलिए। तो आज की वीडियो में फर्स्ट पार्ट में मैं केवल फोर्स और टाइप ऑफ फोर्स के बारे में ही बताऊंगा, नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न्यूटन का लॉ ऑफ मोशन। तो गाइस आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।